नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाती हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मनुष्य की चार चीजों की भूख कभी नहीं मिटती, धन, जीवन, वासना और भोजन। इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है। भले ही वैसी चीजें कितनी भी मात्रा में मिल जाएं, लेकिन उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन के इस लंबे सफर में यह सोच कर चले कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है, इसलिए इसी समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचाकर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि धन उसके पास हो तो वो समय का मुकाबला कर सकता है। बहुत भले बनकर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा देता है। उसकी सराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को ही पहले काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ यूं ही खड़े रहते हैं। इसलिए आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग आपको लूट कर ही खा जाएं। उल्लू दिन में देख नहीं सकता, इसमें भला सूर्य का क्या दोष हो सकता है। केरल के पेड़ पे पत्ते नहीं आते और ना ही फूल खिलते हैं, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष हो सकता है। चातक के मुंह में वर्षा की एक बूंद नहीं गिरती, इसमें भला बादल का क्या दोष है। यूं समझ लो कि ये सब कुछ विधाता की देन है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वही सबका ख्याल रखता है। हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होती, हर हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती, सब तानों पर अच्छे आदमी नहीं मिलते, हर स्थान पर चंदन नहीं होता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यह सारी दुनिया विवादों से घिरी हुई है, इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। जैसे हाथी बुरा होने पर भी चंचल रहता है, गन्ना कुल्लू में पेरे जाने के बाद भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता, और सोना आग में तपने के बाद भी अपनी चमक नहीं खोता, इसी प्रकार से अच्छे चरित्र वाले लोग कहीं भी चले जाएं, वे अपने गुणों को नहीं छोड़ते। कुछ पागल इंसानों ने पत्थर के टुकड़े को ही रत्न मान लिया है, लेकिन दोस्तों असली रत्न तो केवल अनाज, पानी और ज्ञान ही होती है, और इन तीनों रत्नों से बड़ा और कोई रत्न नहीं हो सकता। पाप और पुण्य में क्या अंतर है? मेरे शत्रु कौन है और मित्र कौन है? मुझे किस कार्य में लाभ हो सकता है तथा किसमें हानि हो सकता है? यह सोचकर मनुष्य को अपने जीवन का हर कदम उठाना चाहिए। कठिन काम पड़ने पर सेवक की, संकट के समय भाई बंधु की, आपत्ति काल में मित्र की तथा धन का नाश होने पर अपने पत्नी की परीक्षा होती है। शेर से एक, बगुले से चार, कौवे से पांच, कुत्ते से छह और बाघ से तीन गुण मनुष्य को सीखने चाहिए। काम भले थोड़ा करो, परंतु मन लगा के करना चाहिए। इंसान को यह शेर से सीखना चाहिए। समय के अनुसार अपनी शक्ति से काम करने का गुण बगुले से सीखना चाहिए। ठीक समय से जागना, सोना, लड़ना, झपट कर भोजन करना, ये गुण मुर्गे से सीखने चाहिए। समय समय पर संग्रह करना, चौकस रहना, दूसरों पर विश्वास ना करना, ये गुण कौवे से सीखने चाहिए। बहुत भूख में भी संतुष्ट रहना, गहरे नींद में सोते हुए भी जागते रहना, मालिक की वफादारी करना, ये गुण मनुष्य को कुत्ते से सीखने चाहिए। यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति भंग हो जाए, तो इन सब बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताते। जो व्यक्ति दूसरों को बताने का भूल करते हैं, लोग उनका मजाक ही बनाते हैं। अपने हाथों से किया गया काम सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए मनुष्य को अपना हर कार्य अपने हाथों से ही करना चाहिए। अंधाधुंध खर्चा करने वाला तथा जो अपनी आमदनी से अधिक खर्चा करता है और दूसरों से झगड़ा करता है, ऐसे लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकते। जैसे धरती खोदने से उसमें से पानी निकलता है, वैसे ही गुणों की सेवा करने से ही विद्या प्राप्त होती है। ये बात सदा याद रखे कि गुरु की सेवा के बिना इंसान कभी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। जो नारी अपने पति का कहना नहीं मानती और व्रत रखती है, ऐसी नारी अपने पति की आयु कम करती है। ऐसी नारियों को यह सोचना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति केवल पति की सेवा से ही संभव है। जीवन का अर्थ यही है कि इसे सदा अच्छे कामों में लगाए रखें। अच्छे भले ज्ञान के कामों से पुरुष महान बनता है।
ये मत भूलो कि जीवन अस्थाई है, इसलिए जीवन की हर पल का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हर चीज में आनंद है, किंतु जैसे ही मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देता है, इसके साथ ही हर चीज का अंत हो जाता है। पुरुष आदि काल से ही चंचल है, इस संसार में भगवान को छोड़कर हर कोई अस्थाई है। लक्ष्मी तो रमणी है, सदा नृत्य करती है, ये धन रिश्ते नाते घर द्वार सब अस्थाई है, इनमें से कोई किसी का साथ नहीं देता। और दोस्तों केवल धर्म ही है जो अटल सत्य है, ये ज्ञान का भंडार है। दूसरों को भला चाहने वाले ही आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों पर संयम और जीवों पर दया करने से ही मुक्ति मिलता है। कर्म से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो और बुराई से दूर रहो। अच्छे कर्म करने से ही जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होता है। जिस तरह से फूलों में खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, इन सब की बाहर से देखकर आप इनके गुणों के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये गुण बाहर से दिखाई नहीं देते। इन गुणों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। किसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके उसे पहचान नहीं सकते, केवल अपने विचारों से इसकी परख कर सकते हैं। देवता मिट्टी के मूर्ति अथवा मंदिरों में विद्यमान नहीं है, देवता तो केवल हमारी आत्मा और हमारे भावनाओं में बसे हैं। जैसी आपकी भावनाएं होंगी वैसा ही देवता का रूप होगा। भावनाओं का मनुष्य के जीवन पर हर पहलू में प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी मनुष्य की भावना होगी वैसा ही फल मिलेगा, इसलिए अच्छा फल पाने के लिए अपनी भावनाओं को शुद्ध रखिए। जो ब्राह्मण प्राकृतिक रूप से पैदा हुए फल और अन्य पदार्थों को खा पी कर इस संसार को दूर जंगल में रहते हुए ईश्वर की पूजा करता है, वही सच्चा भक्त, महापुरुष एवं सच्चा ब्राह्मण माना जाता है। बुरे इंसान और सांप में कौन अच्छा है? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सांप तो केवल समय आने पर ही काटता है, किंतु बुरे लोग हर पल बुराई करते रहते हैं। इसलिए बुरा इंसान हर पल बुराई करके सांप से भी ज्यादा भयंकर हो सकता है। सागर सबसे महान है, किंतु इसमें भी तूफान आते हैं, अपनी सारी सीमाएं तोड़कर विनाश भी कर देता है, परंतु सच्चे साधु और ज्ञानी लोग कभी भी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ते। कोई मनुष्य भले कितना भी सुंदर हो तथा उसका जन्म भले ही कितने बड़े घराने में हुआ हो, परंतु वह पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी हालत उस फूल की तरह होता है जो दिखने में तो सुंदर है परंतु सुगंध से वंचित है। शस्त्रधारी कभी भी हमला कर सकता है, सिंह वाले पशु कभी भी सिंह मारकर जख्मी कर सकते हैं, स्त्रियां कभी भी झूठा लांछन लगा सकती है, और राजघराने के लोग जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं, इसलिए उनसे कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। इन लोगों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बहुत खतरनाक होती है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।